नेपाल से लाकर बिहार के रास्ते यूपी में खापने के लिए आ रही चरस की बड़ी खेप कानपुर आउटर एसटीएफ की टीम ने बरामद कर ली। आपको बता दें कि बिहार के तीन अभियुक्तों के पास से बरामद हुई चरस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। कानपुर आउटर पुलिस और एसटीएफ की टीम चरस तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। घटनाक्रम के मुताबिक लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी का इनपुट मिलने से कानपुर आउटर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक तेज स्वरूप सिंह ने अपनी विशेष टीमों को अलर्ट पर रखा था। तभी सोमवार देर शाम बड़ी मात्रा में चरस आने की सूचना मिली। शाम करीब 6:45 पर सीओ सदर थाना महाराजपुर और एसटीएफ की टीम ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर महाराजपुर स्थित एमजीए कॉलेज के सामने प्रयागराज नेशनल हाईवे मार्ग पर चरस की खेप डिलीवरी करने के लिए खड़े तीन युवकों को धर दबोचा। युवकों की तलाशी लेने पर बैग से बड़ी मात्रा में चरस मिली, जिसे वह नेपाल से लेकर आए थे। आपको बता दें कि अभियुक्तों के पास से 1680 रुपए भारतीय मुद्रा व 2050 नेपाली मुद्रा भी बरामद हुई और 3 फोन भी बरामद हुए। तो वही महाराजपुर पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से 18.491 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। पूछताछ में बताया कि वे लोग चरस नेपाल से लेकर आए थे, जो फिरोजाबाद के एक डीलर को देने की बात हुई थी। फिरोजाबाद का डीलर माल लेने वाला ही था कि पुलिस द्वारा माल पकड़ लिया गया। पूछताछ में सामने आया है कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है, जिसकी तलाश के लिए टीम गठित की गई है और शीघ्र ही गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। क्या माल पकड़ा गया सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, विगत कई दिनों से ये इनपुट मिल रहे थे कि नेपाल से चरस आ रही है और ये इस जनपद के मार्ग से होती हुई आगे आगरा, फिरोजाबाद और दिल्ली की तरफ जाती है। ये बीच बीच में जाती रहती है, ये इनपुट मिल रहा था। इस पर हमने अपनी टीम लगाई हुई थी। उसी सूचना को और पुष्ट किया गया और उसके आधार पर कल जो है करीब 7:45 थाना महाराजपुर अंतर्गत EMGA कॉलेज के पास हमारी जो टीमें लगी हुई थी, जिसमें CO सदर साहब थे और महाराजपुर का फोर्स था SO साहब और STF की फोर्स, तीनों ने संयुक्त रूप से मिल करके तीन लोगों को दबोच लिया, जिसमें एक ये रहने वाले तीनों बिहार के हैं। रक्सौल एक जगह है, एकदम बॉर्डर की जगह है, बिहार नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ के रहने वाले हैं ये लोग। दबोचे गए तो इन तीनों के कब्जे से लगभग 19 केजी चरस बरामद हुई। इनके तीनों के नाम हैं, एक रौनक पटेल है, दूसरा मनोज चौधरी है और तीसरा मेराज आलम है। ये तीन अभियुक्त हैं, इनसे इतनी चरस बरामद हुई है लगभग 19 केजी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ है। क्या कानपुर में किसी को डिलीवरी करने वाले थे? ये फिरोजाबाद में डिलीवरी करते, कई जगह डिलीवरी करते। अब उसका नाम डिस्क्लोज करना ठीक इसलिए भी नहीं कि आगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसका जो नेटवर्क है वो नेपाल से लेकर के और अपने हाथ से बल्कि इंडिया के और कोनों पे जुड़ा हुआ है, जिस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, देखेंगे और इसमें कितने लोग सम्मिलित हैं। सर, इससे पहले भी इन्होंने कोई घटना को अंजाम दिया? नहीं, अभी तक तो इनका जो कहना है कि हम लोग केवल लाने और ले जाने का काम करते रहे, इसके पहले भी ले गए हैं, लाए। सर, इसके पीछे कौन कौन थे? इनके कई लोग, इस गैंग के कई लोग जेल में बंद हैं, बंद होना बताया गया है, उसकी भी जानकारी की जा रही है और आगे कार्रवाई पूरी छानबीन करके पूरा गैंग को तोड़ा जाएगा और जो इनका आर्थिक साम्राज्य है उसको नष्ट किया जाएगा। डिलीवरी किस माध्यम से करते थे? डिलीवरी देखिए, सामान्य रूप से ये अपना बैग में लेकर के ऐसे यात्री के रूप में जाते थे। कुछ बस के माध्यम से जा सकते, ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते थे, किसी माध्यम से जा सकते थे। नेपाल से चले यहाँ तक कोई उनको चेकिंग कहीं कुछ नहीं? अब वो अलग बात है, वो नहीं पकड़े गए, पकड़ गए तो ये सामने है आपके।